अगले साल 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 9 राज्यों में असेंबली इलेक्शन और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव। दिल्ली में आज से शुरू हो रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह तय हो जाएगा कि अगले 3 साल के लिए भाजपा का अगला कप्तान कौन होगा। भाजपा सूत्रों से मिल रही सूचनाओं पर गौर करें तो मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल में 2019 से लेकर अभी तक राज्यों में शानदार जीत को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी की कमान फिर से सौंपी जा सकती है। ऐसा हुआ तो अगले कुछ समय में भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम बनने के बाद यूपी में राज्य संगठन और उसके बाद तेजी से क्षेत्र व जिला महानगर की नई टीम बनाने पर काम शुरू होने की संभावना है। 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड मिजोरम शामिल हैं। इनमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित हैं। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा का पहला लक्ष्य इन राज्यों में जीत का है, तो इसके बाद अगली बड़ी चुनौती मिशन 2024 की है। राज्यों के चुनाव को पार्टी सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है और वैसा ही चुनावी होमवर्क भी करने में लगी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2023 और 2024 के चुनावों के साथ सांगठनिक मंथन भी होने जा रहा है। भाजपा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सर्वोच्च इकाई है। पार्टी के सभी अहम फैसले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में ही लिए जाते हैं। बीजेपी की दिशा तय करने में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भूमिका का अंदाजा इसके अति प्रभावशाली सदस्यों को देखकर लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हैं। इसमें कुल 80 सदस्य होते हैं। इनके अलावा 50 विशेष आमंत्रित सदस्य और 179 स्थायी आमंत्रित मेंबर्स होते हैं। इन सदस्यों में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मोर्चे के प्रमुख, प्रदेश प्रभारी, सह प्रदेश प्रभारी सहित पार्टी संगठन से जुड़े कद्दावर चेहरे शामिल होते हैं। भाजपा में शुरू से परंपरा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सहमति से ही अहम रणनीतिक फैसले करने होते हैं। रोहिलखंड के दिग्गज भाजपा नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बरेली सांसद संतोष गंगवार मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो बदायूं से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हैं। केंद्र और राज्य की राजनीति में बरेली का प्रभाव इसलिए और ज्यादा है क्योंकि बरेली के पूर्व मंत्री राजेश अग्रवाल भाजपा में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। 20 जनवरी 2020 को उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान मिली थी। जुलाई 2019 में उनको बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। भाजपा में एक व्यक्ति 6 साल तक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाल सकता है। यह बता देना भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश संगठनों के चुनाव के बाद होता है। यदि 50% राज्यों में संगठन का चुनाव हो गया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। नियमानुसार कोई भी नेता 3-3 साल के 2 कार्यकाल तक बीजेपी का अध्यक्ष रह सकता है, यानी एक नेता लगातार 6 साल तक अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है। हर कार्यकाल के लिए चुनाव का पार्टी में नियम है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कार्यकाल को लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया गया था। अब चर्चा है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल भी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया जा सकता है। जेपी नड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी और विश्वास पात्र माना जाता है। वैसे भी 2019 से लेकर वर्तमान समय तक जेपी नड्डा के नेतृत्व में जिस प्रकार से बीजेपी के संगठन ने कार्य किया है और विभिन्न राज्यों में भाजपा ने परचम लहराया है, उसे देखते हुए जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाए जाने की संभावना है। जेपी नड्डा के कार्यकाल में हाल में गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जबरदस्त जीत मिल चुकी है। फिलहाल सबकी नजरें भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर टिकी हैं। खासतौर पर यूपी में क्योंकि नई राष्ट्रीय टीम बनने के बाद राज्य के नए भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की टीम का भी ऐलान होना है। राज्य संगठन के बाद महानगर, नगर और जिला संगठन भी तय किए जाने हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। देखना यह है कि दिल्ली में शुरू हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मैराथन मंथन के बाद भाजपा के तेवर और तैयारी से जुड़े कैसे संदेश सामने आते हैं।